Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो इस समय मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30 और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद बहुत सारे काम हैं मुझे और वो सब फिनिश करने के लिए मुझे मॉर्निंग से ही काम शुरू करना पड़ेगा। और खाना थोड़ा लेट से ही बनाना है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं नीचे बैठ के अच्छी तरीके से यहाँ पर लगाऊँगी झाड़ू। और ठंड में आप सब जानते हैं कि कितना छोटा दिन हो जाता है। जितनी जल्दी हम काम फिनिश कर लें उतना ही ज़्यादा ठीक होता है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ। श्री और उनके पापा बाहर के रूम में सो रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे मैं बेड ठीक कर लेती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इसलिए मैंने शॉल ओढ़ा हुआ है, क्योंकि जब मॉर्निंग में उठो ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और हाँ, जब नहा लो तो सारे ठंड गायब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो जल्दी से यहाँ पे किसी भी तरह काम फिनिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है। आज डस्टिंग वगैरह भी करनी है। के बाद मैं आ गई छत पे और यहाँ पे मुझे गमलों में पानी डालना था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो पौधों में पानी डाल दूँ। और हमारी श्रीयू भी उठ गई थी, वो भी साथ में आई हुई थी। और उनको पकड़ते पकड़ते मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बहुत डर लगता है वो छत पे आती है ना, डर लगता है कहीं इधर उधर गिर ना पड़े और भागने लगती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत डर लगता है। श्रीयू, हेलो श्रीयू, श्रीयू चैनल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो बस मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और ठंड बहुत है, लेकिन अभी मैंने बहुत सारा काम किया है ना तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। तो चलिए मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ। चाय बनाने के बाद फिर मैं आज बनाऊंगी पनीर के पराठे। और मैंने सोचा कि मैं बना रही हूँ, क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी रेसिपी शेयर कर दूं। तो चलिए फटाफट पहले चाय बनाती हूँ और उसके बाद आप सबको लंच शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है और बस यहाँ पे चाय पत्ती और चीनी डालूंगी, अदरक डालूंगी, जल्दी से मेरी जो चाय है वो रेडी हो जाएगी। तो चाय वगैरह हमने पी ली थी और अब हम बनाने जा रहे हैं पनीर के पराठे। तो मैं यहाँ पे मैंने एक पनीर लिया हुआ है, पनीर को मैं यहाँ पे करूँगी क्रश। और मैंने छोटा वाला कद्दूकस लिया है जिसे मैं अदरक क्रश करती हूँ। इससे बहुत अच्छे से पनीर, क्योंकि सॉफ्ट होता है जैसा कि आप सब जानते होंगे, तो अगर बड़े कद्दूकस करेंगे तो वो उतना नहीं सही होता। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं छोटे वाले कद्दूकस से ही क्रश कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं पूरे पनीर को क्रश कर लूँगी। और उसके बाद मैंने लिया है एक प्याज, मैंने प्याज को बहुत ही बारीक यहाँ पे मैं कट करूँगी। और जब पनीर के पराठे में प्याज थोड़ा सा डाल दो ना, बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। और पता है ये वाला जो पनीर का पराठा मैं बना रही हूँ वो मैंने आयान मॉम ब्यूटी के चैनल में मैंने देखा था, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया था। तो जब बस वही मैं ट्राई कर रही हूँ बना के, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनके पनीर के पराठे। और ज़्यादातर मैं रेसिपी उनके ट्राई करती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 हरी मिर्च, उसको मैं बारीक काट लूँगी कुछ इस तरीके से। और उसके बाद ये प्याज और जो हरी मिर्च मैंने कट किया हुआ था उसको मैं पनीर में कुछ इस तरीके से डाल दूंगी, जो मैंने पनीर को क्रश किया था। तो इसमें मैं अदरक भी क्रश करके डाल सकती थी, लेकिन मेरे हबी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है अदरक, इसलिए मैं इसमें अदरक अवॉइड कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। और यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी पनीर में जो भी प्याज और मिर्ची मैंने इसमें डाला है। और अब मैं इसमें डालूँगी भुना हुआ ज़ीरा, तो 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूँगी भुना हुआ ज़ीरा। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, मतलब चुटकी भर मैंने गरम मसाला डाला हुआ है। उसके बाद मैंने पिसी हुई धनिया डाला हुआ है,
तो मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे पिसी मिर्ची नहीं डालूंगी। यहाँ पे मैंने हल्का सा मैंने थोड़ा सा अजवाइन इसमें डाला हुआ है, और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है सॉल्ट मतलब नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालना है, कितना आप खाते हैं वो तो आप पे निर्भर करता है। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से कर लूंगी मिक्स। तो खूब अच्छे से मैं इसमें पनीर भर दूंगी जो मैंने मसाला तैयार किया हुआ है पराठों के लिए, क्योंकि जब तक उसमें आप अच्छे से भरोगे नहीं तब तक टेस्ट नहीं आता है। चाहे कचौड़ियाँ हों या फिर पराठे, हमेशा भरे ही अच्छे लगते हैं, चाहे आलू के हों चाहे पनीर के हों। लेकिन इतना भी नहीं इसमें भरूंगी कि हमारे जो पराठे हैं वो फट जाए। तो ऐसे मैं बाकी के भी पराठे बना के रेडी कर लूँगी, और फिर उसके बाद साथ में मैं खाऊँगी। हम और मेरे हबी साथ में ही बैठ के खाना खाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पराठे बन के हो गए हैं रेडी। तो चलिए फटाफट से मैं सर्व करती हूँ लंच, और भूख बहुत ज़ोरों से लगी है। खाना खाने के बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कटोरियाँ ली हुई हैं, और हम लोग खाने वाले हैं साथ में, मैं श्रीयु और मेरे हबी। तो मैंने दोनों कटोरियों में सब्ज़ी निकाल लिया है, पराठे बन गए हैं रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम भी जा रहे हैं खाना खाने। आइए आप सब भी खा लीजिए, आप लोग का स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं हम लंच करने के बाद आप सबसे। तो यहाँ पे मैं श्रीयु को नहला के ले आई थी, और इस समय जो बज रहा था टाइम बज रहा था वो 1 बज चुके थे, और यहाँ पे मैं उसको तैयार कर रही थी, लेकिन वो इतना भाग रही थी ना, मैं परेशान हो गई इसको पकड़ते पकड़ते। कभी इधर से पकड़ रही थी कभी उधर से पकड़ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे पहनाऊं। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो इस समय जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है दोपहर के 1। तो मैंने श्रीयम को नहला दिया है, और मेरा जो लंच था आपने देखा ही, मैंने बनाया था पनीर के पराठे, और कैसा लगा बताइएगा जरूर। और बस अब मैं श्रीयम को जा रही हूँ सुलाने के लिए, और श्रीयम खाना खा चुकी है। ठंड के मारे, ठंड का मौसम है तो मैं इसको थोड़ा लेट से ही नहलाती हूँ, जैसे 1 बजे के करीब। उसके बाद अभी मैं थोड़ी देर धूप में ले जाऊंगी, उसके बाद इसको सुला दूंगी। तो अभी देखिए मैंने कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया हुआ है, और मैंने मॉर्निंग से बहुत सारे काम खत्म कर लिए। आज तो मेरी कमर ही टूट गई काम करते करते, क्योंकि बहुत सारा काम था। और आप सब अब आप देख सकते हैं कितना छोटा दिन होने लगा है, मतलब पता नहीं चलता कब 11 बज गया कब 12 बज गया। देखो मेरी बिंदी के लिए बेटा, तो बस काम मेरा खत्म ही है, और इनको बस सुलाने के बाद मैं बनाऊंगी कॉफी बनाने का बेटा। तो यहाँ पे मैं श्रीयम को पहना रही थी कपड़े, और कपड़े पहनने में बहुत दिक्कत कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे रेडी करूँ। इधर जा रही हूँ तो उधर भागती है, उधर जाती हूँ तो उधर भागती है, मतलब पकड़ते पकड़ते मेरे दिमाग ख़राब हो गया। और ये देखिए मैं कितना भाग रही हूँ उसके पीछे, और बच्चे हैं ना ऐसे ही करते हैं, मैंने देखा हुआ है कि जितने लोगों के भी छोटे बच्चे होते हैं ना, बताइएगा ज़रूर, इसी तरीके से परेशान करते हैं ना जैसे मेरी श्रीयु करती है। लेकिन हाँ मज़ा भी आ जाता है, क्योंकि मतलब इतने छोटे बच्चे जब हम लोग के साथ तरीके से खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइम मतलब टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, अच्छा भी लगता है उसके साथ खेलने में, और लगता है कि हाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ अपने बच्चे के साथ, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इसको रेडी कर रही हूँ। तो श्रीयम को रेडी करने के बाद मैं अपने फेस पे हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, क्योंकि फेस बहुत ही ज़्यादा खिंची खिंची सी लगने लगती है ठंड में। और यहाँ पे मैंने लिया है छोटी सी बिंदी, आज बहुत ही छोटी बिंदी लगाने का मन कर रहा था, तो हल्का सा मैंने छोटी सी बिंदी अपने फेस पे लगा लिया है, बहुत अच्छी लगती है। और ये मैक की लिपस्टिक है, और ये देखिए छोटी सी लिपस्टिक क्या कमाल कर देती है, मतलब बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। हल्का सा लगाओ लेकिन क्या कलर आता है इसमें। और आपको अगर लेना होगा तो आप बताइएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबने देखा मैंने अपना हल्का सा मेकअप किया है, ज़्यादा नहीं किया है, और मॉर्निंग में इतने सारे काम हो गए थे ना कि मैं अपना टचअप करना ही भूल गई थी कि थोड़ा सा मैं तैयार भी हो जाऊं। लेकिन अब मेरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब ज़्यादा काम नहीं रह गया है, बस श्रीयम को सुलाना बाकी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो आप सबको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।